So students, now we are going to start 5.2, exercise number 5.2, and first sum is, in an envelope there are five rupees notes and some 10 rupees notes. Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupees notes are less by 10 than twice number of 10 rupee notes. Okay, then find the number of 5 rupees एंड 10 रुपीज नोट्स. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पुराने बुक है उसमें थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको करेक्ट कर लो. करेक्शन ये है, इन एन इन्वेलप, ठीक से सुनो, इन एन इन्वेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स. ओके, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टूगेदर इज 350 रुपीज. यहाँ तक ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 less by 10 than twice number of 10 rupees notes. Then find the number of 5 rupees and 10 rupees notes. अब क्या है ना कि मेरे पास कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है, ठीक है. इनको टोटल करोगे ना तो अमाउंट होते 350. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे पास जो भी नोट्स है उस नोट्स की अमाउंट अगर टोटल करते नोट्स की अमाउंट कितनी होते 350 रुपीज़. सेकेंड कंडीशन में क्या बताया, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट जो है वो लेस बाय टेन दैन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ के जो भी नोट है उससे कम क्या है 5 रुपीज़ के, सॉरी नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 दैन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ के जितने भी नोट्स है उसके ट्वाइस, उसका डबल करोगे और उसमें से माइनस 10 करोगे. समझ में ना, 10 रुपीज़ के जितने भी नोट्स है उसके डबल और उसमें से माइनस 10 करोगे तो तुम्हें x रुपीज़ के नोट्स मिलेंगे. समझ में आ रहा है ना. ओके, वही यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है. नाउ सी, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 नोट्स बी x, द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स बी y. 5 रुपीज़ x और 10 रुपीज़ y. तो इक्वेशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ के नोट्स प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स इज इक्वल टू अमाउंट होती है 350. गॉट इट, 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 350. जो भी नोट्स है समथिंग 10, 20, वॉट एवर इज देयर, ओके, डिवाइड बाय 5. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5, 10, 350, 5 के टेबल में है तो मैंने 5 से डिवाइड किया ताकि नंबर छोटे हो जाएंगे और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में ईजी रहेगा, राइट. इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, 5 वन ज़ा 5 मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 70. क्या आंसर आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या बताया कि 5 रुपीज़ के जो नोट्स है मतलब x इज 10 रुपीज 10 टाइम 10 लेस है, 10 लेस है किससे, y के ट्वाइस से, y के जो भी नोट्स है उसके ट्वाइस मतलब इंटू 2 माइनस 10. सो x इज इक्वल टू 2y माइनस 10. अब 2y यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, राइट. अब ये इक्वेशन आया 2. अब देखो यहाँ पे प्लस 2y, यहाँ पे माइनस 2y, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड 2 को हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 प्लस x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. प्लस माइनस कैंसल, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 60. 2x is equal to 60 and x is equal to 60 divided by 2, x is equal to 30. x is equal to क्या है 30. तो 5 रुपीज के कितने नोट्स है, 30 नोट्स, राइट. लेकिन ये करेक्ट है कि नहीं आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. प्लस x is equal to 30 इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y is equal to 70. सो 30 प्लस 2y is equal to 70. 2y is equal to 30, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस. देन 2y is equal to क्या आया 40 एंड y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 20. y इज इक्वल टू 20. सो नोट्स ऑफ रुपीज़ 5 बी x एंड नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 बी 20. अब देखो सेकेंड कंडीशन में अगर तुम लोग जाओगे वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग. सेकेंड कंडीशन में क्या बताया कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 10, मतलब x की जो वैल्यू है वो y के डबल माइनस 10 है. तो y की वैल्यू क्या है 20, डबल कितनी हो जाएगी 40 माइनस 10 30, मतलब x इक्वल 30 हमारा राइट है और y इक्वल 20 भी हमारा क्या है राइट है. तो 5 रुपये के 30 नोट्स है और 10 रुपीज़ के 20 नोट्स है. गॉट इट एवरीवन.
Very good. Next question देखो. Next question is, the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator if 1 is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. क्या आएगा? 3:5. Find the fraction. The denominator of a fraction is 1 less than twice is its numerator if 1 is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. एक fraction दिया है. Okay. Fraction में numerator क्या है? X और denominator क्या है? Y. Numerator क्या है? हम लोग ने X लिया और denominator क्या लिया? Y. First condition में क्या होता है कि Y जो है denominator वो numerator के twice से 1 less है. Right? क्या बताया यहाँ पे? जो y है मतलब denominator जो है वो denominator numerator के twice minus 1 है. तो देखो अभी y is equal to 2x minus 1. Right? y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? Minus हो जाएगा. हो गया. और ये minus 1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? Plus. तो equation क्या बनेगा? 2x minus y is equal to 1 is equation number 1. First equation हमारा क्या बनता है? 2x minus y is equal to 1. सेकेंड कंडीशन में क्या बताया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड किया. न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो नया जो फ्रैक्शन आता है वो क्या होता है? रेशियो है, दैट इज 3:5. न्यू रेशियो इज 3:5. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x प्लस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/y. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 1. 5x plus 5 is equal to 3y plus 5. 5x minus 3y. ये 3y यहाँ पे plus यहाँ पे minus हो गए. 5x minus 3y is equal to 3 minus 5. 3 minus 5. ये plus यहाँ पे minus हो गए. So 5x minus 3y is equal to minus 2. This is equation number 2. देखो इसे solve करने के बाद equation क्या आया finally? 5x minus 3y is equal to minus 2. इस equation number 2. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में 1 क्या है? 2x minus y is equal to 1 और यहाँ पे 5x minus 3y is equal to minus 2. तो y के कोएफिशिएंट मैंने सेम किया. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 वी गेट 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे y सेम करने थे. ठीक है. सो क्या आया? 6x minus 3y is equal to 3. 6x 3 to the 6 minus 3 1 the 3 3 1 the 3. सो 6x minus 3y is equal to 3 is the equation number 3. इसको मैंने कह दिया नाम इक्वेशन नंबर 3. अब मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 3. 2 को मैंने क्या किया है? 3 से सब्ट्रैक्ट किया. तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2. सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए, ये दोनों कट हो गए, 3y 3y कट हो गए. तो 6x माइनस 5x x 3 प्लस 2 5. 3 प्लस 2 5 क्योंकि 2 का साइन चेंज हुआ है ना अभी. राइट. सो x इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 5. प्लेस x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. सो 2 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 1. 2 5 जा 10 माइनस y इज इक्वल टू 1. सो माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 10. हमेशा याद रखना. कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम? यहाँ पे 10 ग्रेटर तो 10 को पहले लिखते और माइनस 1 बाद में लिखते, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है. पहले यहाँ पे क्या है? 1 है और माइनस 10 जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है इसलिए इसको बाद में लिखना है माइनस 10. सो आंसर माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9. माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9. माइनस माइनस कट किया मैंने तो y इज इक्वल टू क्या आया? 9. y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 9. नाउ सी, न्यूमरेटर इज x इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज y इज इक्वल टू 9. सो फ्रैक्शन इज 5/9. क्या फ्रैक्शन आएगा? 5/9. देखो कंडीशन में अगर तुम लोग देखोगे क्या बताए कि y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1. तो x का ट्वाइस कितना होगा? 10. माइनस 1 क्या है तो क्या आया? 9. समझ में आया? राइट डाउन.